गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेश एंड यू आर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो अभी हम बताने वाले हैं आपको फ्लेमिंगो बुक 12th क्लास का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4th, द रैट ट्रैप। तो आज हम द रैट ट्रैप की स्टोरी करने वाले हैं, कवर पूरी इस वीडियो में हिंदी में। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले करते हैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट। जैसे कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में दिख रहा है सेल्मा लैगरलॉफ। इनके जो राइटर है रैट ट्रैप बुक के जो ऑथर हैं वो हैं सेल्मा लैगरलॉफ। इनका जो बॉर्न है वो 1858 में हुआ था और इनकी डेथ 1940 में हो गई थी। वाज ए स्वीडिश राइटर हुज स्टोरी हैव बीन ट्रांसलेट इनटू मैनी लैंग्वेज। और जो इनकी स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट करी जाती थी। इनकी स्टोरी ज़्यादातर स्वीडिश राइटर थे और इनकी जो स्टोरियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आती थी। तो उसी स्टोरी में से आज हम करने वाले एक स्टोरी जिसका नाम है द रैट ट्रैप। तो आइए करते हैं स्टोरी को चालू। द रैट ट्रैप समरी इज़ द अबाउट ए मैन हु इज़ ए पैडलर। ये जो समरी है ये एक आदमी की है जो कि पैडलर होता है। पैडलर का मतलब होता है ऐसा आदमी जो चूहे हुए उठाने के काम करता है या फिर जो चूहेदानी बेचता है, जो भी बेरोजगार सा होता है जो रोडों पे घूम के चीज़ें बेचते हैं, तो उनको कहते हैं पैडलर। रैट समरी उस व्यक्ति के बारे में है जो एक पैडलर होता है। उसका दुनिया के प्रति निराशावाद रवैया रहता है। पैडलर हमेशा से इस तरह से नहीं रहा है, पहले वह ठीक ठाक था, हालांकि दुर्भाग्य के कारण इसका सहारा लिया जाता है। जीवित रहने के लिए जाल बेचना, भीख मांगना और चोरी करना। इसके अलावा वह दुनिया को एक बड़े जाल के रूप में भी देखते हैं। जो पैडलर होते हैं उनका दिमाग क्या जाता है, वो सोचते हैं कि हमारा जो जाल है जिसे हम रैट ट्रैप बेचते हैं, पूरी दुनिया एक जाल है जिसमें लोग फंस चुके हैं लालच के अंदर। उसका मानना होता है कि पनीर के सामने कुछ रूप से हमें बैठाया जाता है जिसमें हम लालच में फंस जाते हैं। दुनिया भौतिकवादी चीज़ें जैसे कि स्लो टूरियस प्रदान करती है, तो हम जब इन चीज़ों के लिए गिर जाते हैं तो हम जाल में फंस जाते हैं और हमसे कुछ दूर के लिए वह कहानी में आगे घुस जाते हैं। युवा उदार महिला जाल साज में ला जाती है। इस प्रकार उदारता और दयालुता वह अपने निराशावादी ग्रहण को बदल देती है। जीवन एक कहानी है जिसमें एक आवश्यक मनाई मानव अच्छाई के बारे में सिखाती है, जो इसे धारण करना हमें चाहिए। तो अब हम समरी बताते हैं आपको आगे। वो रैट ट्रैप वाला है जो वो कहता है, कहानी शुरू होती है एक जालसाज व्यक्ति के साथ जो विविधता स्थिति में है। एक ऐसा आदमी जो काफ़ी भूखा है या फिर काफ़ी गरीब है, जो रैट ट्रैप बेचने पर मजबूर है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। भूखा दिखता है, हम सीखते हैं कि वह घर नहीं है उसका, कोई भी कभी कभी भीख मांगा करता है, दुनिया में जीवित रहने के लिए उसको चोरी चकारी करनी पड़ती है। उसके बारे में परवाह करने के लिए दोपहर में एकांत जीवन है, वह दिन भर उस पर हमले के लिए पूरी दुनिया खुद को फांसी लगाती है। अगर गीला गला करके स्पर्श यह फंस जाएगा तो कभी नहीं जाएगा। वह सोचता है कि वहाँ लोगों को जो वास्तव में तैयार है, ईस्टर में चारा लगाने तक पहुँच रहा है। अब वो बोलते हैं कि स्ट्रैप, स्ट्रैप का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि हम चूहेदानी लेते हैं उसके अंदर पहले हमें कील पे एक रोटी या जाला टुकड़ा फंसाना पड़ता है, तो वो तरह का एक जाला है जो ये देश है पूरा का पूरा, वो ऐसा कहना चाहता है। मतलब एक कोल्ड वैनिंग या फिर एक कुटीर जो आश्रय देने के लिए जाता है। एनोल्ड उस कुटीर में क्रॉफ्टर जो पैडलर के रूप में लिया है। क्राफ्टनर को अपनी कंपनी में ज़रूरत थी इसलिए वह पैडलर का स्वागत करता है। उसे वह भोजन गर्म करके देता है, धूम्रपान करने के लिए देता है, मतलब कि जो क्रॉफ्टर है एक आदमी है जिसके घर में पैडलर जाता है, तो उसको हर चीज़ देता है उसके ज़रूरत की ताकि वो उसका काम करवा सके। वे दोनों ताश खेलना शुरू करते हैं, बात करना शुरू करते हैं। पैडलर सिखाता है कि क्रॉफ्टर को 30 करोन या अपनी गाय बेचने के लिए मिले हैं। अब जो पैडलर है वो कहता है कि ये जो क्रॉफ्टर है जो 30 करोन इसको मिले हैं वो उसकी गाय बेचकर उसको मिले हैं। खिड़की के फ्रेम के पीछे रख देता है। पैडलर अगले दिन छोड़ देता है, क्रॉफ्टर को देखने के लिए बाद छोड़ देता है। अब जो क्रॉफ्टर है वो जैसे ही उसके पीछे कुछ पैसे रख देता है तो उतने में पैडलर उसको देख लेता है वो कहाँ रख रहा है, फिर वो उसको छोड़ देता है, उसको लगता है ये नहीं चुराएगा। कुटीर वह पैसे की थैली चुराने के लिए वापस आता है। अब जो कुटीर है यहाँ पे जो पैडलर है वो घर से एक बार चला जाता है, फिर वो वापस आता है उस आदमी के ताला मारने के जाने के बाद। क्रॉफ्टर जैसे ही खेत में जाता है अपने सामान हल चराने, गाय वाय चराने खेत में, तुरंत वो वापस आता है और उसके वो 30 यूरो चुरा के भाग जाता है। चोरी करने के बाद वह एक लकड़ी की दुकान पर संदेह करता है। जब चोरी हो जाती है तो उसको लगता है लकड़ी की दुकान वाले ने शायद चोरी करी है। गलतियाँ उसे अपने बेचे गए कॉर्मेड पर वह एक क्रिसमस के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह मना कर देता है। उसके बाद आयरन मैन की बेटी एडवाल स्टमिड, एडवाल जो आयरन मास्टर की बेटी होती है,
एडला विस्टिमांड उन्हें उनके साथ रहने के लिए मजबूर करती है, आग्रह करती है, ताकि जो पेडलर है वो उनके साथ रहे, जो रैट्रैप वाला उनकी बेटी के साथ वहाँ पे रहे घर में। बीच में वह चोरी के लिए खेद करता है क्रॉफ्टर का पैसा, वे बच्चों को बदलाव लाने की मदद करता है तथा अच्छे कपड़े पहनते हैं और फिर वह दाढ़ी काटते हैं। इसके बाद उसने मास्टर को पता चलता है कि उसने गलती की है, पेडलर यह कॉमरेड नहीं था। इस प्रकार वह मास्टर सोचता है कि वह धोखाधड़ी करता है और वह बदले में फैसले लेता है। अब जो वहाँ पे मास्टर है वो सोचता है कि जो पेडलर है, मैं सोच रहा था ये बुरा आदमी है, मगर ये रैट्रैप वाला बुरा आदमी नहीं है क्योंकि वो उसके घर में कुछ भी चोरी नहीं करता। उसी के साथ क्रिसमस मनाए जाते हैं, उसके पिता सहमत हैं और वे एक साथ क्रिसमस मनाते हैं। अगले दिन आयरन मास्टर और एडल ने सीखा कि पेडलर चर्चा के माध्यम से पुराने क्रॉफ्टर की घटना के बारे में था। वे घर में जल्दी जल्दी सोचते हैं कि सारी चांदी की चीज़ें चुरा ली होगी। अब जैसे ही वो क्रिसमस मना के लौट रहे होते हैं, उनको लगता है कि जो रैट्रैप है, जो उनके घर में बैठा है, उसने सारी चीज़ें अभी तक चुरा ली होगी, भाग गया होगा। हालांकि उन्हें आश्चर्य इस बात का है कि पेडलर डिड चोरी नहीं। एडल के लिए एक एडला फ नोट, एक छोटा सा नोट या उस पर लिख सकता है या फिर कुछ छोड़ के जाता है उसके लिए। दयालुता जिसने उसे जाल से बचाया, पकड़ा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रॉफ्टर का पैसा भी छोड़ा, उसे वापस करने के लिए पूछना, रैट्रैप का निष्कर्ष। अब जो छोटा वो आदमी होता है रैट्रैप, वो उस लड़की के लिए गिफ्ट छोड़ के जाता है क्रिसमस के लिए आयरन मास्टर की बेटी के लिए घर में, और वहाँ से कुछ चुराता भी नहीं है, बल्कि जो 30 यूरो चुराए होते हैं क्रॉफ्टर के, उसको भी रख के जाता है। अब रैट्रैप का यहाँ पे कंक्लूजन क्या है भाई, वो भी बताते हैं हम। यह रैट्रैप स्टोरी हमें यह सिखाती है कि हमें दया करुणा के माध्यम से दुनिया को बदल सकते हैं। इसके अलावा यह सिखाता है कि भौतिकवादी चीज़ें कभी भी आंतरिक आनंद नहीं देती। जो चीज़ें मतलब ऊपर से अच्छी दिखती हैं, वो अंदर से ज़्यादा अच्छी नहीं होती। केवल प्यार और सम्मान करना चाहिए एक दूसरे का, इसी में इज्जत है, इसी में अच्छाई है। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर नंबर है रैट्रैप, वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और आपके जो रैट्रैप चैप्टर की स्टोरी है वो यहाँ पे पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको वीडियो एंजॉय लगी होगी। वीडियो में अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। अगर किसी को नोट्स चाहिए या क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता सकते हो, नोट्स हमने बना रखे हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो किसी को परचेज करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू।